नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जय किसान अभियान की सांकेतिक शुरुआत करते हुए कहा कि वह हिमाचल की जनता व किसानों के जायज मुद्दे उठाकर नए किस्म की सच्ची ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वराज इंडिया अभियान के माध्यम से आम जनता व किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब मिलकर देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट। स्वराज अभियान यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन जब से स्वराज इंडिया हुई है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है, उसके बाद से यहाँ शुरुआत नहीं हुई। कई संयोग वश मेरा आना हो रहा था, तो अशोक जी ने आग्रह किया कि क्योंकि मैं वैसे हिमाचल आ रहा था, तो आग्रह हुआ कि कम से कम एक सांकेतिक शुरुआत हम यहाँ पे करें और उसके बाद पूरे प्रदेश का एक अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे। तो आज हम यहाँ से एक सांकेतिक शुरुआत स्वराज इंडिया की कर रहे हैं। स्वराज अभियान के तो कई जिलों में अधिवेशन हो चुके हैं, स्वराज अभियान के बड़े कार्यक्रम भी हो चुके हैं, लेकिन स्वराज इंडिया के लिए हम यहाँ पे एक शुरुआत कर रहे हैं।